स्टार्ट हो गई है। हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट विद द चैप्टर 4 एंड द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज हीट। व्हाट इज हीट इन द लोकल लैंग्वेज? नॉर्मली हम इसको बोल देते हैं गर्म या गर्मी, बट ये हीट जो वर्ड है इसको हम किस रेफरेंस में कैसे यूज कर सकते हैं? इसके लिए हम दो क्लोथ्स लेते हैं। देयर आर टू क्लोथ्स, कैन यू टेल व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू क्लोथ्स? दिस इज फर्स्ट क्लोथ एंड यू नो दिस इज अ विंटर जैकेट, दिस इज अ वूलन, एंड व्हाइल दिस अनदर क्लोथ इट इज अ कॉटन टी शर्ट विच वी यूज टू वियर इन समर, सो दैट इज अ कॉटन क्लोथ। हम वूलन क्लोथ्स कौन से सीजन में पहनते हैं? वी वियर वूलन्स इन विंटर्स व्हाइल वी वियर कॉटन्स इन समर। नाउ थिंक व्हाई वी यूज टू वियर वूलन्स इन विंटर्स एंड कॉटन इन समर, बिकॉज दीज वूलन कीप अस वार्म इन विंटर व्हाइल दीज कॉटन कीप अस कूल इन समर। तो अब इन दो चीजों से हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सी चीज गर्म है और कौन सी चीज ठंडी है। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल, कैन यू टेल मी द नेचर ऑफ द आइसक्रीम? यस, वी ऑल लव इट। दिस आइसक्रीम इज कूल इन नेचर, दैट इज इट हैव लेस हीट, व्हाइल हॉट कप ऑफ कॉफी इट इज वेरी hot. Now we take another example. We have these three glasses of water. This is glass A, this is glass B, and this is glass C. This A glass is having hot water, while B glass is having cold water, and in the C glass we put mixture of hot and cold water. अगर हमने ये गर्म glass का पानी लिया और अपनी फिंगर इसके अंदर डिप करते हैं तो हमें कैसा फील होता है? वी फील समवट हॉट, गर्मी हमें लगती है। और इसी चीज को जब हम दूसरे हाथ को अपने ठंडे पानी में, यहाँ पर ये ड्रॉपलेट दिख रही है आपको, ये लास्ट ईयर हमने एक्सपेरिमेंट पढ़ा था कंडेंसेशन का, कि वाटर के अंदर आसपास की सराउंडिंग्स में क्या होती है, वाटर वेपर्स होती है, अंदर ठंडा पानी है, वो जब इससे टकराती है तो यहाँ पर वाटर वेपर्स कंडेंस हो जाते हैं, दिस इज कोल्ड वाटर। नाउ फॉर द कंसेप्ट ऑफ हीट, व्हाट वी टुक, वी पुट आवर फिंगर्स इन दिस हॉट वाटर, सॉरी कोल्ड वाटर। पहले वाला हमारा हॉट वाटर था और सेकंड ग्लास में हमारा कोल्ड वाटर था। अब जनरली जो सेंसेशन हमें होगी वो लेफ्ट हैंड में हीटिंग सेंसेशन होगी और राइट हैंड में हमें कूलिंग सेंसेशन होगी। नाउ इन दिस, दिस इज द सी ग्लास विच इज हैविंग बोथ हॉट एंड कोल्ड वाटर, दैट इज इट इज हैविंग द नॉर्मल टेम्परेचर। अब अगर हम इस ग्लास में अपने ये दोनों फिंगर्स एक साथ डालेंगे तो हमें कैसा फील होगा? यस, हमें फील होगा जो हमारा फिंगर हॉट वाटर में डाली थी वहां पर हमें ठंड लगेगी, नॉर्मल लगेगा,
और जहां पर हमने जो फिंगर हमने कोल्ड वाटर में डाली थी वो अगर हम नॉर्मल वाटर में डालेंगे तो हमें गर्मी लगेगी। मीन्स यहाँ पर तीन जो ग्लासेस है इन तीनों ग्लासेस में डिफरेंट टाइप का वाटर है। ए ग्लास में हॉट वाटर है, बी ग्लास में कोल्ड वाटर है और सी ग्लास में मिक्सचर है। वी हैड पुट आर लेफ्ट हैंड इन दिस, राइट हैंड इन दिस, बट व्हेन वी टुगेदरली पुट आर बोथ हैंड्स इन सी ग्लास देन वी हैव डिफरेंट सेंसेशन। मीन्स हम सिर्फ टच से पता नहीं लगा सकते कि कौन सी चीज हॉट है या नहीं है। अगर कोई चीज हॉट नहीं है उसको हम कोल्ड बोल देते हैं। जैसे सन है, वी लव दिस हीट इन विंटर्स बट we don't want to be in sun during summers। यहां पर हमें ज्यादा गर्मी लगती है। इसका मतलब है कि जो हमारी sensations है, टच है, वो सिर्फ एक हमें एहसास दिलाती है कि कोई चीज कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है। उससे हम एग्जैक्टली उसकी हॉटनेस का, हीट का पता नहीं लगा सकते। और इसके लिए हमारे पास एक नया और मोर रिलायबल वर्ड है, दैट इज टेम्परेचर। सो व्हेन वी हैव टू डिस्कस अबाउट द टेम्परेचर, टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ हॉटनेस ऑफ ऑब्जेक्ट। इट इज द मेजर ऑफ हॉटनेस ऑफ ऑब्जेक्ट। वी हैव टू यूज ओनली दिस वर्ड। हमने यहां पर कोल्ड वर्ड यूज नहीं किया। इवन द चैप्टर इज नेम्ड एज हीट ओनली, कोल्ड नहीं लिखा है। क्योंकि अगर किसी चीज को हम हॉट कह रहे हैं तो मीन्स उसका जो सेकेंड एस्पेक्ट है दैट इज कोल्ड, वो साइड बाय साइड एग्जिस्ट करता है। अगर कोई चीज हॉट होगी तो उसमें कूलनेस की प्रॉपर्टी नहीं होगी। और इस टेम्परेचर को मेजर करने के लिए वी हैव एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज नोन एज थर्मामीटर्स। हम सब ने अपने घरों में थर्मामीटर्स देखे हुए हैं। दिस इज अ टाइप ऑफ अ थर्मामीटर वी यूज टू सी इन आवर होम्स। दिस इज अ डिजिटल थर्मामीटर। सो नाउ वी हैव टू डिस्कस समथिंग अबाउट द थर्मामीटर्स। सो फर्स्ट इज थर्मोमीटर्स आर द इंस्ट्रूमेंट्स टू मेजर द टेम्परेचर्स। थर्मोमीटर से हम क्या चीज मेजर करते हैं? टेम्परेचर मेजर करते हैं। और टेम्परेचर क्या है? इट इज अ मेजर ऑफ हॉटनेस। एंड वी हैव टू major classes of thermometers। One is known as clinical thermometer, जो हम लोग अपने घर में यूज करते हैं, और second है laboratory thermometers, जो हम लोग labs में यूज करते हैं। Today we will discuss only about the clinical थर्मोमीटर्स। क्लिनिकल थर्मोमीटर्स जो स्टैंडर्ड थर्मोमीटर्स है, दे हैव मर्करी इन देम।
अगर आप लोगों ने पुराने थर्मोमीटर्स देखे हैं, उन थर्मोमीटर्स के अंदर मर्करी होती थी, ये आपको सिल्वर या रेड कलर का थ्रेड दिखता था। मर्करी क्या है? मर्करी इज अ लिक्विड मैटर। मेटल तो है बट लिक्विड है, ओनली अ लिक्विड मैटर। और मर्करी क्या करती है? एक्सपैंड करती है, मींस फैल जाती है जब टेम्परेचर रेज करता है। हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, या फिर हम इसको लिखते हैं 98.6 फ़ारेनहाइट। These both are the normal temperature of our body, which can be easily measured with a clinical thermometer. अब ये clinical thermometer होता कैसा है? This is an example of a clinical thermometer, but ये mercury वाला नहीं है। जो mercury वाला होता है उसका structure भी ऐसा ही होता है। इसमें एक glass रोड होती है जिसके आगे इस तरह से बल्ब लगा हुआ होता है, और इसमें जैसे हमारे स्केल में मार्किंग होती है, से यहां पर 35 है तो फिर इसकी इस तरह से मार्किंग होती है, यहां पर 35 है और when we put this bulb into the object, ये ऑब्जेक्ट हमारी ह्यूमन बॉडी होती है। क्लिनिकल थर्मोमीटर इज यूज टू मेजर द बॉडी टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमंस ओनली। ये हम किसी और पर्पस के लिए यूज नहीं करते। जब हम इसको अपने माउथ में या अंडर आर्म्स पे लगाते हैं तो यहाँ पर जो ये मर्करी का थ्रेड है ये एक्सपैंड करता है, और जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है वहाँ तक ये पहुँच जाता है, और इसको हम रीड आउट कर लेते हैं जो भी मार्किंग होती है। जो रेंज है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू लर्न इट। द रेंज ऑफ द क्लिनिकल थर्मोमीटर इज फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। नॉर्मली हमारी बॉडी का टेम्परेचर 35 से नीचे कभी नहीं जाता, 42 से ऊपर भी नहीं जाता। स्टैंडर्ड टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है, बट ऐसा नहीं है कि अगर बॉडी का टेम्परेचर 98.4 दिखा रहा है या 99 दिखा रहा है तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, दैट इज हैविंग अ स्लाइट फीवर। Now consider one more point, 98.6 Fahrenheit, this is normal temperature of the body. अगर इससे कम होगा, बहुत ज़्यादा कम, तो condition होती है hypothermia. This is a new word to you, hypothermia. बेटा therm जहाँ पर आता है इसका मतलब है temperature, and hypo means less. इसका क्या means हुआ? अगर माइनस में जा रहा है, नेगेटिव की तरफ जा रहा है, नीचे, नॉट एग्जैक्टली नेगेटिव बट लेस देन 98.6, तो ये क्या हुआ? कम हो गया, दिस इज हाइपोथर्मिया। और अगर ये बढ़ रहा है, 100 की तरफ जाता है, देन वी कंसीडर इट एज फीवर। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लिनिकल थर्मोमीटर। But the problems with the clinical thermometer is the use of the mercury, and mercury is very toxic, so it should not be inhaled. Therefore, these days we replace these mercury-based clinical thermometer with the help of these digital thermometers. Now, how to use a thermometer? The most important precautions क्या होती है? किसी चीज को
यूज करने के सही तरीके, हमें क्या चीज करनी चाहिए और क्या चीज नहीं करनी चाहिए। तो प्रिकॉशंस जो है सबसे इम्पोर्टेंट है, बिफोर यूजिंग द थर्मोमीटर वी शुड वॉश इट, एंड आफ्टर यूजिंग द थर्मोमीटर वी शुड अगेन वॉश इट। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लिनिकल थर्मोमीटर। नाउ द क्वेश्चन फॉर टुडे इज वेदर क्लिनिकल थर्मोमीटर कैन बी यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ अदर थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वॉन्ट टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ अ हॉट कॉफी, कैन यू मेजर विद द क्लिनिकल थर्मोमीटर? नो, वी शुड नॉट मेजर एनी अदर टेम्परेचर विद द क्लिनिकल थर्मोमीटर, बिकॉज जो इसका रेंज है दैट इज वेरी स्मॉल, 35 से 42 डिग्री तक ही होगा। मान लीजिए आप गर्म पानी का, जो बॉइल्ड वाटर है, उसका टेम्परेचर मेजर करना चाहते हो, और उसका टेम्परेचर क्या होता है बॉइल्ड वाटर का? बॉइल्ड वाटर का टेम्परेचर होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो क्या ये थर्मोमीटर इस बॉइल्ड वाटर के टेम्परेचर को मेजर कर पाएगा? नेवर। ये थर्मोमीटर टूट सकता है, मर्करी बाहर आ सकता है, जिसकी वजह से टॉक्सिसिटी हो सकती है, टॉक्सिक होता है मर्करी, ये इनहेल होने से डेथ तक भी होती है। इसीलिए हम लोगों को क्लिनिकल थर्मोमीटर मेजर यूज करना चाहिए ओनली टू मेजर द ह्यूमन बॉडी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट द लैब थर्मोमीटर। थैंक यू।